देखिए ये किसान मजदूर की पंचायत है, किसान की मांग मंगवाने के लिए यहाँ है। 5 तारीख को पंचायत नहीं थी, पाँच तारीख को किसान की कोई मांग यहाँ नहीं मांगी गई। मुख्यमंत्री जी को सीधे वार्ता है इस पंचायत के माध्यम से। हम वो किसान हैं जो धन्यवाद भी देते हैं और अपना दुख भी बताएंगे, दुख क्या है हमारा, धन्यवाद भी देंगे लेकिन दुख भी बताएंगे हम अपना। हाँ, व्यक्तिगत संबंध रखो, जा रहे हैं आ रहे हैं सब हमने हमारे ही, वो भी मजदूर किसान के परिवार से निकले हैं, लेकिन अब बेवकूफ नहीं बनेंगे, अब नहीं बनेंगे बेवकूफ। हम बहुत बेवकूफ बना लिया 75 साल से, बहुत बेवकूफ बन गए हम, अब नहीं। पंचायत का मतलब ही होता है फिर तो महापंचायत, पंचायत का मतलब क्या होता है, जहां मजदूर किसान की समस्याओं का समाधान हो, चर्चा हो। और हम लोग जो मजदूर किसान हैं वो कमजोर नहीं है। जब वोट पड़ता है ना, वोट पड़ता है, एसी में रहने वाले, एसी में सोने वाले, एसी में चलने वाले बहुत कम लोग जाते हैं वोट देने के लिए, बहुत कम लोग जाते हैं वोट देने के लिए, और मजदूर किसान ही जाता है वोट देने के लिए। धूप में खड़ा रहता है लाइन में, वही वोट देता है। नहीं तो कभी तुमने देखा कि एसी में सोने खाने पहने चलने वाले लोग बड़ी तादाद में जा रहे हैं वोट नहीं देता, बहुत कम लोग जाते हैं। और वोट देने जाएंगे अपनी फोटो सेल्फी दे के मोबाइल में डाल देंगे फेसबुक में, बड़ा भारी काम करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मजदूर किसान सबसे पहले, जो देश आजाद नहीं हुआ था उस समय सबसे पहले किसानों की आवाज उठाने वाला एक महापुरुष आया था, उसको गुमनाम कर दिया जातिवादी राजनीति ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आजादी से पहले उन्होंने किसानों के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जब स्वामी सहजानंद जी को अंग्रेजों ने जेल में डाला, गिरफ्तार किया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा आज से हिंदुस्तानी सहजानंद दिवस मनाएगा, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उन्होंने भूमि सुधार, किसानों को जमीन पे अधिकार, इसके लिए संघर्ष किया। 2 साल तक अंग्रेजों ने उन्हें कठोर यातना दी, बहुत कठोर यातना। फिर 1950 को उनका देहांत हो गया। उन्होंने कहा था सुन लो देश में राज करने वाले, उन्होंने कहा था जो अन्न उगाएगा वही देश चलाएगा, ये उनका नारा था। उनका नाम गुमनाम कर दिया गया।